बढ़िया नेमता बन गए क्यों रबे गए आज ने फरमाया कि इन्होंने रात भी जाग के मेरे नाम से बसर की दिन भी इन्होंने जाग के मेरे नाम से बसर की पता लगे कि जिन्होंने मेहनत की थी रबे गए नाथ ने उन्होंने मेहनत का सिला भी अता फरमाया है और सिला अता फरमाना अल्लाह के जड़े नेक बंदे ने उन्होंने अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा अस्तगफार की जिक्र और ज़िकार किया क़यामुल लैल किया सुबह शाम रबे गए नाथ की बारगाह के अंदर तौबा अस्तगफार करके अल्लाह की ज़ात पाक को याद करते रहे रबे गए नाथ ने फरमाया फिर उन्होंने सिला मैं रब ने उन्होंने देना या अल्लाह सिला की रब की ज़ात का मतलब मैं जनता ही उन्होंने नाम ला दी लो जी गल उन्होंने टोर दिता अज मैं इंशाल्लाह क्योंकि रबी उसानी शरीफ का यह महीना है ग्यारहवीं वाले पीर का महीना है बड़ी ग्यारहवीं शरीफ बड़ी ग्यारहवीं शरीफ है उसने हवाले लगा गुफ्तगु करना इंशाल्लाह मैं बड़े आसान अल्फाज दसदांगा कि जिहड़ी है सोशल मीडिया के उत्ते शाने औलिया के उत्ते गुस्ताखी कीतियां जांदियां ने उन्हां बेअदबां नूं भी पता लग जाए कि वली है कौन है ये साडे नौजवानां दे जिहड़े ज़हन ने ना उन्हां दे ज़हन साज़ी कीती जांदी है सोशल मीडिया दे ज़रिए बड़े बड़े बेवकूफ के बड़े बड़े जाहर जो सोशल मीडिया के उत्ते आके निशाने औलिया के अंदर बकवास साफ करते हैं उन्होंने जबान को किसी ना किसी तरीके से लगाम देनी है ना ताकि उन्होंने पता लग जाए कि वली है कौन है रब्बे कहलाते हैं पुराने पाक के अंदर निशाने औलिया का जिक्र फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनु युख्रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर अल्लाह रब ने जब फरमाया मेरे वली हो ने कि जेडे अंधेरिया दे विच कट के ते चानण वल लेके आ जांदे लफ्ज़े वली वली लफ्ज़े जेडे ना मानी की वली मैंने बोला दोस्त वली और गुलाम अल्लाह के दोस्त वली दा एक माना मददगार नहीं है वली का माना दोस्त भी अल्लाह ने फरमाया मेरे वली मेरे यार मेरे दोस्त अल्लाह का दोस्त कौन बनता है ये असी हुण दा हिसाब लगाना है कि अल्लाह का दोस्त कौन है अल्लाह ने फरमाया कि जेड़ा इबादत करता है रियाजत करता है जिक्र जिकार करता है नेक आमाल करता है जिक्र फिक्र तेरी जिंदगी बसर करता है रब्बे कायनात ने फरमाया वो मेरा सुबह शाम जिक्र करता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून रब्बे कायनात ने फरमाया तुम मैनु याद करते हो मैं रब तुहानू याद करता हूँ अल्लाह ने फरमाया तुसी ज़मीन ते बह के मेरा जिक्र करते हो मैं रब अरशां ते बह के तुहाडा जिक्र अल्लाह का दोस्त वो भी जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह की इबादत करता है रियासत करता है जिक्र व अज़कार करता है अल्लाह का दोस्त कोई मखसूस बंदा नहीं कि सिर्फ वो ही बन सकता है जेड़ा भी बंदा चाहता है मैं रब का दोस्त बन जावा रब का यार बन जावा अल्लाह ने फरमाया आ मेरी तौबा के दरवाजे खुले ने दो मुही लंगा है तौबा नसूहा तौबा करना तेरा काम में यारी ला लेना मैं रब्बे कायनात अजीज आने ग्रामी वली वो भी जरा इबादत करता है पीराने पीर पीर गौसदार सैयद ना गौसे आप सरकार आपने 40 साल इशा के वजू के नाल फजर की नमाज पढ़ी 40 साल इशा के वजू के नाल फजर की नमाज पढ़ी पता लगा 40 साल जिन्होंने राती
आखी नहीं ला के देखी उन्हों का नाम गौस आजम सरकार है। अज लोग जो बेलवाक हो गए तो निशाने हलिया का पता लेना है। दो सजदे दे के समझ साडे तो वड्डा कोई नेक ही कोई नहीं है। जरा पढ़ के वेखे अल्लाह के वली ने सारी जिंदगी अल्लाह की बारगत सजद्या गुजार देती है, रब को राजी करते गुजार देती है। इलामा इकबाल ने लिखा से ना, खुदी को कर बुला देना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप में याद इलाही तक इतना मुस्तरक कर लो, अपनी हस्ती बता दो। इकबाल ने लिखा, मिटा दे अपनी हस्ती को हर कोई मरतबा चाहता है, दाना हाथ में मिलके ही गुलों गुलजार होता है। अगर कोई मरतबा चाहते हो तो अपनी मेहनत खत्म कर दो, रब की याद के अंदर मुस्तरक हो जाओ। फिर देखिया जे शायद सादी का रामा फरमाते ने, फल भी उस टहनी को लग जाए जी झुक जाती है, फिर उन्हें इन्ना फल लगता है, इन्ना फल लगता है। जरा मालक जाके जो तो देखता है ना, सारा दरख्त जरा ना फल के नाल भरिया होया है, तो सारिया टहनिया थे झुक जाए ने। कई दफा देखते हैं कि टहनी इन्नी झुक जाती जमीन के नाल लग जाती है। रब ने फरमाया एक बार तू झुक जा, मैं रब के दात इन्ना फल ला दागी, इन्ना फल ला दागी, फिर मैं देखने वाले भी पता लग जाएगा। ये कोई आम नहीं कि रब का नवाजिया हो। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर वली का जिक्र फरमाया, वली का जिक्र कर फरमाया। सूरह नमन पढ़ के देखो, ओ हजरत पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम, उन्होंने उम्मती पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम, आपका दरबार लगा हुआ है तशरीफ फरमा ने। ये अल्लाह के वो पैगंबर ने जो बैठते सन कचहरी लगती सी, परिंदों के भी जोड़े उथे, जानवर के भी उथे, जिन्नात भी उथे, इंसान भी उथे, चिंद परिंद तिरिंद हर शह उथे मौजूद होती सी। पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम की कचहरी के अंदर, पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम आप बैठे, आपने फरमाया कि आज मैंने खुद खुद जरा परिंदा ना वो नजर नहीं आ रहा, वो किधर गया, खुद खुद परिंदा किधर गया। जिस वक्त यह गल की वेख्या ना कि अज मैनू खुद खुद परिंदा नजर नहीं आया, तो गुस्सा अल्लाह के नबी को इन्ना आया अपना जे अग कभी वो आ गया ना। आज बहन्ना हूँ औला याद यन्नी भी सुल्तान मुबीन अमा का सा गैरा भाई ने बकाला अतु भी मालम तो हित भी ही वजह को कमिल साबा इस बिना भाई यकीन। पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम ने बताया अस्वा अन्ना हूं मेरी कचहरी में जो मौजूद नहीं होया, मेरे हथे लग गया तो मैं उन्हें जिबा कर देना। अस्वा अन्ना हूं क्योंकि जरूरत किमें होगी, वो मेरी कचहरी के बिचू गैर हाजिर हो गया। वो खुद खुद परिंदा थोड़ी देर तो बाद आया, सारे ने आख्या कि अज तेरी खैर नहीं, अल्लाह के नबी तेरे उत्ते बड़े टैश दिते, अज उन्हें मैं जिबा कर देना। खुद खुद परिंदा कहता है कि तू मैं चाह के भी जिबा नहीं कर सकता। बड़ी गल की उन्हें किया, वो मैनू चाह के भी सिबा नहीं कर सकता। सारे सोची पै गए कि नबी ने फरमाया अज पाल मैं उन्हें सिबा कर देना, लेकिन वो कहना मैनू चाह के भी सिबा नहीं कर सकते। मैं क्या एडा वड्डा लफज तू केड़े मान ते बोलिया, केड़े मान ते बोलिया। अगली गल सुनोगे जिस वक्त खुद खुद परिंदा जिस वक्त हाजिर हो गया,
अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया कि आज आया के आओ फरमाया का अल्लाह अल्लाह औलिया दी अंत में सुल्तान मुबीन वो दूसरा कर दवा ना वो तो खुद परिता आ गया आप ने तो पता लगा नबी अल्लाह ये बड़े गुस्से के अंदर आए सिबा कर देंगे वो तो खुद परिता कहना वे या नबी अल्लाह तुसी मेनू चा के भी सिबा नहीं कर सकदे आपने फरमाया वजह की है अजीना निगरामी अपने पर खोले ने पता कौन खड़ा होया
हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया है कोई बंदा ये जरा उधर तू भी जल्दी लेके आ जावे। ओ बंदा खड़ा हो गया आलमदी इतना हो इल्मू मिन अल किताब जिते को किताब ना थोड़ा जहा इलम है थोड़ा जहा इलम है थोड़ा जहा इलम है। ते उमर सुलेमान अलैहि सलाम नु कहन लगा जी मैं लेके आऊंगा। ते उमर सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया कितनी देर च लेके आएगा कितनी देर च लेके आएगा। ओ बंदा खड़ा होया जिते को किताब ना थोड़ा जहा इलम है ते खड़ा हो के कहन लगा या नबी अल्लाह अय्यर तदा इलैका कल खुद ऐ नबी अल्लाह अख छपर तो पहले ही इथे ला के आ जाना। मैं ला के आऊंगा अय्यर तदा इलैका कल खुद ऐ अख चमकण तो पहले इथे होए आज मैं तुझे बैठे दूर पिया हो बंदा चुक के लिया सकता। दसो यार मस्जिद अंदर शाय हो गए कोई पई इतो फड़ के जितने भी थले सकून ने है ताले नाल बंद भी किया हो सत्ते कमरे ताले नाल भी बंद होने आसे पासे है ओवे भी सारा पानी ऐसा निजाम हो अकल च नहीं आती लेकिन असि इनकार भी इनका इनकार भी नहीं कर सकते जिन्हें इनकार किया दारा ईमान को खा रहा है जिन्हें चीज का इनकार किया दारा ईमान को खा रहा कि नहीं जी इन्नी जल्दी नहीं आ सकता जिन्हें कहा ना उन्हें कुरान की नाफरमानी की कुरान की नाफरमानी की कुरान कह रहे आया उन्हें कुरान की नाफरमानी की जरा कुरान का नाफरमान है उनके काफर हो गए असी इनका इनकार भी गल अकल भी गल अकल नहीं आती पर मनना अकल नहीं मननी पर मनना सारा बोलना मनना पढ़ कुरान कुरान पहला सवारा खोल सूरा बकरा पढ़ रबे कायनात ने फरमाया इन्नल बकरा पेशाबा रंग भी चाल भी हो जिंदी उम्र भी यह होके सिफा करो सिफा करके गोश्त का टुकड़ा इस बंदे जरा कतल होया वे ये बंदा उठ पवेगा उठ के दसेगा मैनू किन्ने मारिया है मैनू किन्ने कतल किया है। अजीज ने जरा भी गाय लभी गई गाय लभ गए उस रंग की उस चाल की उस ठाल की गाय लैके आए उन्होंने सिफा किया गोश्त का टुकड़ा बंदे मारिया बंदा उठ लिया इनकार कर नहीं आती मनना।
मकान लाकर बेच बंदा मर गया गाना जीवा करो ओने गोश्त का टुकड़ा लाओन वो उठ पे कभी इन भी होया अकल बेच नहीं पर मनना भैन मनना अल्लाह ने नबी हजरत ने पढ़ा हीर का सलाम ने फरमाया जा था सुम्मा यमीन तो सुम्मा यू हीर तो तू फरमाया कि मौत तो बाद में जिंदगी है उस तो बाद हशर का मैदान लगेगा या अल्लाह पाक एक बंदा मर गया उन मरण तो बाद फिर जिंदा करना है उनका गोश्त भी परिंदे खा गए उनका गोश्त जानवर खा गए मिट्टी खा गई हड्डियां खत्म हो गई या अल्लाह दोबारा दिन जिंदा होगा फरमाया परेशान ना होया नबी इब्राहिम चार परिंदे लेके आओ चौ परिंदे नसीबा करो चौ परिंदे नसीबा करके उनका गोश्त कीमत पर हर शह मिक्स कर दो मिक्स करके चौ पहाड़ा उत्ते रख दो मशरक मगरब शमाल जनूब आप दरम्यान की खिलोवो फिर उन्होंने आवाज मारो अल्लाह के नबी इब्राहिम ना सिर्फ ने परिंदे ले चार और परिंदे लेके और रह जाऊंगा वे कौवा ले लिया पतंग ले ली मोर ले ली है कबूतर लिया इन्हें चौ परिंदे लैके आपने जिमा किया कीमा कर दिता कीमा सारे परिंदा एक जगह जिसे कीमा करके रख दिता गया परिंदा परिंदे का कीमा हो गया पतख का मोर का कबूतर का कौए का कीमा किया मिक्स कर दिता मिक्स करने तो बाद आपने इन्हें सारे गोश्त थोड़ा इस पहाड़ से इस पहाड़ से सामने मशरक मगरब के पहाड़ से रख के दरम्यान खड़े हो गए पाक ने फरमाया जिन्हों भी बनाया मेरे दिए मैं
गौस ने कुए तो मिल दी अंगीरा नगरा में गौस पाक ये वलिया का सरदार ये वलिया का ताजदार जो गौस पाक ने बेड़े जाती मारी पीर पीर सुल्तान उराले पीर सुल्ताने बावड़े ते गौस पाक ने बेड़े जाती मार के आप ने फरमाया कमाल कर दी दिल पीर आपने नामा जी नाम जीरा नगरा में ये सुल्तान उराले पीर सुल्ताने बाव आप का कलम उठाया ते गौस पाक की मोहब्बत अंदर लिख देने प्रिय भगतां शहर दी की ये निशानी उचिया लमिया जीरा एक तन मेरा अल्लाह के वली है
ढोला अगे नचण वाले बीबिया नचा वाले धमाला पाण वाले असी उन्होंने वली नहीं बनते। दाड़ी मुन्ने हैं शराब नोशियां करने वाले तो बेहयाइया करने वाले असी उन्होंने वली नहीं बन रहे। ना ना वो वली नहीं जिहड़ा शरीयत दा मुबल्ल नहीं वो वली भी वलायत उन्नी देर तक रहेगी जिन्नी देर तक शरीयत दे उत्ते चलना रहेगा। वलायत रब दी शरीयत उत्ते चलन दे नाल शरीयत तो पिछे हो जाओगे तो वलायत में नहीं रहेगी। वली होवे जिहड़ा शरीयत दा पाबंद है। जिहड़ा शरीयत दा पाबंद नहीं ओ वली भी नहीं। दादा अली मेरी आपने कोल आया सी जादूगर उन्हें आख्या हमें पता लग जाता है कि तेरे पर ताकत ज्यादा है कि मेरे कोल है। हवामा च कुटन लग पिया तो दादा दी जुत्तियां जाके सिर च पटाक पटाक वजियां तो थले आ गया। हुण आ चुप कर जा जेड़ा तू काम पिया करता है दादा दी जुतियां कर दें दिया मेरिया जुतियां कर दें दिया यानी कि जेड़ा हवा में उड़ के वखाए ते शरीयत दा पाबंद ना होवे जादूगर ते हो सकदा है वली। ये भी सुन लो आ गल बड़ी और वली वास्ते करामतां दा जरूर होना भी जरूरी नहीं। बंदा आखे भी इनकी कोई करामत वेखांगे ते वली ना वलायत वास्ते करामत का जरूर होना कोई जरूरी नहीं। वलायत वास्ते शरीयत का पाबंद होना जरूरी है। हर वली आलम हर वली आलम लेकिन हर आलम वली रखे ने गलां बड़ी कीमती ने। हर वली जड़ा है वह वली बनना ही उदू जो आलम है इलमू माज खरे फकीरी काफर मरे दिमाना इन्हों तो बगैर तफकीरी भी नहीं होती। हर वली जड़ा है वह आलम है हर वली आलम है हर आलम वली नहीं। ये वलैत उदू मिलती है इकरामात जरूर उदू होंगे ने जो इंसान बंदा अपने आप को याद इलाही अंदर मुस्तगरक कर दे ना जो अपनी हस्ती को बटा दे रब की दात को निशाना कर देना अपनी मैं जिनी देर तक बंदा नहीं मकाएगा उन्नी देर तक मकाम नहीं पाएगा। अल्लाह के वली सहाबी कौन अल्लाह के वली हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने घर मेहमान आ गए मेहमान ज्यादा तो खाना एक बंदे का कि हनेरा है तो मैं बीवी को कह दिता कि लाइट बंद कर दो मेहमान को यह नहीं लगे कि असी भी खाने पे तो मेहमान भी खाना है। पढ़ के देखो करामा के साहबा के अंदर भी लिखा होया सैयदना अबू बकर सिद्दीक खाना आगे रखा तो लाइट बंद कर दी थी एवं अगर हाथ करना तो मेहमान के हाथ के ना अपना हाथ मार देना ताकि पता लगे क्या रोटी जी रल के खाने पर सामन लैन गए उनका हाथ मेरे हाथ में लग गया हालांकि रोटी खाते नहीं सकते हैं। और जिस वक्त उन्हें हाथ में हाथ मारिया तो बाद मेहमान ने खाना खा लिया सारे रज के खाता खाने तो बाद जो लाइट जलाई तो देखिया खाने खाना भुने का गल मन नहीं होती रोटियां बंदे के कोल तीन पईयां होन तां बंदे रज भी जाण रोटियां तीन दियां तीन नहीं हो मन नहीं आउंदे पर मनना पैना मनना पैना वाह वाह गुरबाणियां वाली गल एक प्याला तो पता हो सत्तर सहाबी पी जान पीर तो बाद वेख्या जाए प्याला ओने का ओना अगर देवू हरा रहा कह सारे पी गए फिर भी दुध ओने का ओना ने लोग अकल अकल नहीं आती पर मंगा
सारिया गलां तुहाडियां अकल विच आउण ते फिर तुसीं तां ही शरीयत नूं मन्नो है ना ना शरीयत अंदर बड़ियां ऐसियां मंजिलां ने जिहड़ियां इंसान दी अकल दे विच है ही कोई लेकिन उहनां नूं भी मन्नणा रहिण ये हुण जिहड़ी मैं तुहानूं कुरान दे विच शामिल हो रही आ पढ़ के सुणाई अक चमकण तों पहलां बस आया आया अकल विच नहीं आउंदी गल मन्न नहीं सकदा काली पीली हो गई ते काले पहाड़ उत्ते हो गए ते काली लाल हो गई ते तीह मील की दूरी हो गई ते नबी आखे मैं उत्थों देख लिया तीह मील की दूरी हो गई नबी आखन मैं उत्थों देख लिया गल अकल विच नहीं आउंदी मनना जल्दी करो अपनी खुटा में बिच वड़ जाओ सुलेमान का लश्कर पिया होता जे किधरे पैरों के थले आके ना मिदिया जाओ किधरे पैरों के थले ना आके मिदिया जाओ अल्लाह के नबी आवे ते आके ना सारिया कीड़ियां दे विचों जिंदी लत भी लंघी होवे उन चुग के हाथ विच रख लैण ते आखण तू ते आंदी सैन तू मैनू पता नहीं लगना कौन कर गल मेरे नाल ओ दसो एक कीड़ी एडी मीला दूर गल अपनी कीड़ियां ने करदी होवे ते नबी नूं उत्थों पता लग गए फाटा पे सवा नबी मुस्कुरा पे बकरियां की गिनती करती जो पता लगना भी काली डब्बी कितने रह गई है
उन्हें आके मैनू लै देना है जिंदा कोई होवे पिछू आ बहादुर बन जाओ सरकार आप का जिस वक्त फरीद किश्ती के अंदर तू आनी आवे अपने पीर को याद पे करता आदम सरकार मैं मंगता तेरा फिर मौका मिले मारे।